कोरोना संकट शुरू हुआ तो पूरे प्रदेश में ग्रामीण रूटों पर बसों की सर्विस कम कर दी गई। किसी जगह चल रही थी वहां पर बंद कर दी, लेकिन अब जिला कोरोना मुक्त हो गया है। लेकिन अब भी अनेक ग्रामीण रूटों पर बसों की सेवाएं निरंतर नहीं हुई है। जिन गांवों में हर दिन 5 बसें जाती थी, अब वहां केवल एक ही बस जा रही है। ऐसे में ग्रामीण रूटों पर यात्रियों को जोखिम में डालकर बसों में सफर करना पड़ रहा है। दूसरी ओर निजी वाहन चालक यात्रियों से मनमानी करते हुए अधिक किराया वसूलते हैं और बदसलूकी करते हैं। बावजूद इसके रोडवेज विभाग के अधिकारी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। प्रीडानंद से वाया काताखेड़ी बोसवाल होते हुए फतेहाबाद के लिए कुछ छात्राओं ने जीएम को मांग पत्र भी दिया है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मंगलवार को छात्रों और यात्रियों ने रोष जताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो रोड जाम करेंगे। छात्राओं ने बताया कि गांव बिरडाना आने वाली बस में हर दिन 124 से अधिक टिकट कट रही है, जबकि बस केवल 52 सीटर है। ऐसा नहीं कि अधिकारियों को संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन अधिकारी है जो कोई समाधान ही नहीं कर रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।